दोस्तों बात करने वाले हैं अरकाडे डेवलपर स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों लिस्टिंग के बाद अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू शेयर के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद से भाई शेयर कम से कम हमें यहाँ पे 8-9% यानी कि एवरेज मान के चलो कि 10% की गिरावट दिखा चुका है। कल भी शेयर के अंदर गिरावट थी, लिस्टिंग प्राइस जो स्टॉक का ऑलमोस्ट 175 पे लिस्ट हुआ, यानी कि जो लिस्टिंग गेन है वो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या मान लो कि 37% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला। बट जैसे ही लिस्ट हुआ उसके बाद 5-6% शेयर में गिरावट में देखने को मिला एंड आज 6% फिर से गिर चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई जब लिस्ट हुआ प्रॉफिट बुकिंग आई एंड लोगों ने भाई सेल करना स्टार्ट किया, शेयर डाउन आया एंड आज दूसरा दिन है, यानी कि आज भी शेयर के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। देखिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या यहाँ से प्राइस बढ़ के 200 रुपये के आसपास जा सकता है या अभी और गिरावट होगी, क्योंकि देखिए प्रॉफिट 30% का मिला है। मतलब अगर मान के चलो आज भी आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी, अगर आईपीओ आपको अलॉट हुआ, अगर आपने 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी तो आपका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट अभी टाइम करके 25% के आसपास ही रह चुका होगा, यानी कि आपका प्रॉफिट घट चुका है। एंड अगर यहां से आप बोल रखते हो तो मुझे लगता है कि और घट सकता है, क्योंकि देखिए रिटेल की तरफ से बिकवाली का संकेत है बहुत ज्यादा। अगर आप देखोगे आज भी 6.5% की बड़ी गिरावट है एंड चांस है कि शेयर अभी और गिर जाए, क्योंकि देखिए सुबह सुबह सेलिंग आती है, फिर यहां पे नॉर्मली देखा जाए तो हमें कंटिन्यू जो स्टॉक का कंसोलिडेटेड डाटा है वो देखने को मिलता है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ दोस्तों कि आगे क्या हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए, तो जैसा कि आपको कुछ आंकड़े हैं वो मैं समझाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे अपना जो डिसीजन है वो लेना, क्योंकि आज जो गिरावट हुई है इसके अंदर कितने स्ट्रेंथ है, क्या रिवर्सल दिखा सकता है या यहाँ से वो गिर सकता है, वो हमें स्टॉक के कुछ टेक्निकली आंकड़े हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पर अगर आप आज देखोगे तो भाई शेयर गिर के जिस प्रकार मार्केट में तो हमने देखा कि 63 पॉइंट की तेजी थी एंड इसी के अपोजिट आपको अरकाडे वाला भाई शेयर हमें ऑलमोस्ट 6.5% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। देखिए आप बात करें स्टॉक के बारे में तो देखिए आज का जो इंट्राडे हाई था 165 का था एंड इंट्राडे लो स्टॉक 154 का, यानी कि अगर देखा जाए तो वही 6-7% की स्टॉक के अंदर आज हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों गिरावट की तो भाई 10.5% गिरा है एंड 6.5% की गिरावट है, 155 के भी टाइम आसपास देखने को मिल रहा है। इस गिरावट में बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है, 1.9 करोड़ शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि 170 करोड़ का कारोबार है। रिटेल अभी के टाइम टोटल पैनिकों के बेच रहे हैं, बड़े प्लेयर ने जो भी क्वांटिटी खरीदी सभी अभी के टाइम होल्ड रखे, यानी कि देखिए उनका लोकल पीरियड अभी आया भी नहीं है, लोकल पीरियड जब आएगा तो शेयर के अंदर वो उससे पहले शेयर को भगा देंगे, यानी कि 30 डेज का लोकल पीरियड होता है पहला, दूसरा 90 डेज का होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 30 डेज के अंदर ये स्टॉक आराम से 200 का लेवल ब्रेक कर सकता है अगर मार्केट सही रहा तो, क्योंकि एक बार अगर मोमेंट बना फिर ये सही नहीं रुकेगा। अगर डिलीवरी की बात करूं मैं, अभी के टाइम एवरेज है, रिटेल बेच रहा है, बड़े प्लेयर धीरे धीरे खरीद रहे हैं, डिलीवरी 30% की है, क्योंकि रिटेल तो अभी के टाइम मुझे लगता है कि कमी पैसा लगाए, क्योंकि मार्केट में अभी के टाइम अच्छे अच्छे आईपीओ देखने को मिल रहे हैं, तो रिटेल इसमें मुझे लगता है कि मुश्किल ही फंसेगा। रिटेल तो भाई अभी के टाइम नया आईपीओ में पैसा लगाएगा एंड यही आपको करना है, ठीक है। भाई अभी के टाइम कोई भी सेल या बाइंग ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें अपन दोस्तों यहाँ पे डाटा के बारे में कि आज इंट्राडे चार्ट में कैसा परफॉर्म किया स्टॉक ने, तो चार्ट में आप देख लीजिए दोस्तों, पहले गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर नॉर्मली हमें करेक्शन देखने को मिला, यानी कि अपने गिरावट को शेयर ने यहाँ से करके टोटली सस्टेंस किया, कोई बड़ी मतलब बड़ा जंप देने की कोशिश नहीं करी है। देखिए इस आईपीओ को लेकर मैं आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बना चुका हूँ एंड कई सारी बातें आपको बता चुका हूँ। स्टॉक का जो बाउंड भी है वो 190 का, यानी कि अगर बता दूं मैं 175 पे लिस्ट हुआ 36% की प्रॉफिट के साथ, इसके बाद ऑलमोस्ट शेयर भाई हमें 7 या 8% ऊपर जाता हुआ देखने को मिला एंड शेयर ने 190 रुपये के हाई क्रिएट किया। अब कहीं भाई ऐसे हैं लिस्टिंग प्राइस से भी ऊपर खरीद के बैठे हुए, यानी कि मान के चलो 175 पे लिस्ट हुआ तो 175 से यानी कि 190 रुपये तक लोगों ने बाय कर रखा है। देखिए ये है बिना सोचे समझे बाय करना, जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप, मैंने ये भी कहा था कि देखिए अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो गिरावट हो उसके बाद खरीदना, बट मेरा पहला व्यू ये था कि आप खरीदना ही मत, शेयर को रहने दो, बट आपको जुल मच रही है लॉस करने की तो फिर आप खरीद लेना। अब कई लोग खरीद भी चुके हैं एंड उनको लॉस हो भी चुका है, मतलब उनके मिट चुका उनका। अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने ये बताया था कि मार्केट का हाल है, मार्केट में अच्छे खासे आईपीओ आ रहे हैं तो लोग पैसा कम लगाएंगे, दूसरे आईपीओ के लिए पैसा बचा के रखेंगे। जब कोई आईपीओ मान के चलो कि मार्केट स्टेबल नहीं है, आईपीओ अच्छा रहा है, तब लोग टूटे पड़ते हैं एंड उसमें अगर लगता है कि भाई और बढ़ेगा पैसा तो उसके बाद में लगा, जैसा कि कोई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का आ गया, चाहे कोई दूसरे सेक्टर अच्छे खासे जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसका आ गया, तो उन आईपीओ के अंदर दोस्तों आप डेफिनेटली लिस्टिंग के बाद लगाओ, बट इन आईपीओ के अंदर आप लिस्टिंग के बाद मत लगाओ, क्योंकि अब यहाँ पे देख लो जिसने 170-180 पे खरीदा वो अभी टाइम पूरी तरह से फंस चुका, उसको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि भाई क्या करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो इस कदर फंसा है कि ना तो उसको लिस्टिंग गेन मिला, उसका तो कोई रोल ही नहीं था। उसका रोल क्या था कि मान के चलो मेरे को आईपीओ मिला है तो मैं बेच रहा हूँ तो उसको पकड़ा के मैं निकल जाऊँगा, यानी कि उसका रोल ये था कि लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कराए अपना खुद का लॉस कराए, दूसरों को प्रॉफिट कराए अपना लॉस करा के, तो वो अहम भूमिका भाई उन्होंने निभाई है जिन्होंने 170-180+ खरीदा है, यानी कि लिस्टिंग के हाई लेवल पर खरीदना बहुत बड़ा रिस्क था जो कि आपने दिया है। आगे से ध्यान रखना है, मार्केट सीखना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे डिसीजन ना ले सको एंड आगे से ध्यान रखना, क्योंकि एक बार मार्केट में लॉस हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार करोगे ये गलती, एक गलती को दोबारा नहीं करना वरना वो बेवकूफी होती है। पहली गलती करिए, सीखना है आपने, आगे से नहीं खरीदना है। एंड जिन लोगों ने अभी भी आईपीओ लॉट हुआ है, अभी भी खरीद रखा है, मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहो देख लो, बट अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो जो प्रॉफिट हो रहा निकल जाइए लेके, अगर आप रुकना चाहो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया कि आईपीओ में जैसे ही लिस्टिंग गेन मिलता है लेकिन निकल जाए, ये हमारी पहली स्टेज, क्योंकि आईपीओ भी हो रहा है तो वहाँ भी पैसा लगाना, ये मेरा मैंने पहले बताया था, अपना व्यू बताया था, उसके अकॉर्डिंग जो लोग निकल चुके हैं अच्छी बात है, वो भी टाइम ऑलमोस्ट उन्होंने 35% का प्रॉफिट बुक किया, 35 के ऊपर अगर ये तेजी में भी गया तो कई लोगों ने 190 रुपये भी बेचा है, तो अराउंड यहाँ पे 45% का प्रॉफिट भी लोग निकले हैं यहाँ पे, तो बने रह सकते हो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचा है तो फिर वो अलग बात है। एंड नए आईपीओ के बारे में जानना, मार्केट के बारे में जो भी चीज़ें हो रही है आपको मैं बताता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अक्सर इस स्टॉक को मैनेज करके रहता हूँ एंड आपको रियलिटी बताता रहता हूँ। मेन बात तो ये कि रियलिटी से हमें देखना है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर लो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे।